हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। DMIT में पंकज शर्मा चैलेंजर्स, आप लोग को नमस्कार। मैं आप लोग को बच्चे के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जो कि आपका सबसे बड़ा जो विषय कंसर्न का विषय होता है, जो ये होता है हमारे बच्चे का पढ़ाई के अंदर मन कैसे लगे। जिस तरीके से TV, मोबाइल एंड वीडियो गेम के अंदर बच्चा इंटरेस्ट के साथ वो चीज़ों को करता है, सारी चीज़ों को वैसे इंटरेस्ट के साथ उसकी पढ़ाई और इसके एग्जाम को किस तरीके से फेस करे। सो यही बात को ध्यान में रखते हुए मैं पंकज शर्मा चैलेंजर्स एंड DMIT काउंसलर आपके लिए पावरफुल वीडियो लेकर के आया हूँ, जहाँ पर आपके बच्चे का TV, मोबाइल एंड वीडियो गेम के अंदर जितना इंटरेस्ट है वैसे इंटरेस्ट के स्टडी के लिए कैसे डेवलप कर पाएँ, उससे साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स है जो आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर मैं वीडियो के आगे बढ़ूँ, आपके बच्चे की एज, इसमें से कौन कौन सा आपका फेस करता है प्रॉब्लम, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके हमें बताएँ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ते तो हैं बट पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है। कुछ बच्चे वैसे होते हैं जो पढ़ लेते हैं बट पढ़ा हुआ उनको एग्जाम के समय में याद नहीं आता है। काफ़ी सारे बच्चे उनको ओरली आप पूछते हैं सारी चीज़ें याद रहती है बट उनको एग्जाम के समय में लिखते वक्त उनको याद नहीं आती है। सो उनमें भी का टीवी का मोबाइल का लेजनेस का, इसमें से कौन कौन से चैलेंजेस है जो आपके बच्चे के लिए फेस करते हैं आप, मैं चाहता हूँ कि कमेंट करके अब बच्चे का एज साथ ही साथ जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो कमेंट करके हमें बताएं। यू नो फ्रेंड्स, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं पढ़ाई को लेकर के, जो मन में चैलेंजेस है वो क्यों खड़े हुए, नाउ मैं इसको सोल्यूशन के बारे में जानने जा रहे हैं। कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स है जो आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ साइंटिफिक टिप्स है जो शेयर करूँगा। दोस्तों, पहली चीज़ मुझे लगता है मदर एज द फादर ज़्यादातर आज मम्मी पापा भूल चुके हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके बच्चे को घर के अंदर पेरेंट की ज़रूरत है, घर के अंदर उसे दूसरे टीचर की ज़रूरत नहीं है। वो टीचर के पास पढ़ाई करके आया है, वो ट्यूशन में स्कूल में वो टीचर की ज़रूरत है, घर में उसे पेरेंट की ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे मम्मियाँ मम्मी बनना छोड़ के टीचर बन जाती है, बच्चों को फिर से पढ़ाने का जिम्मेदारी शुरू कर देती है। दोस्तों, पहली चीज़ मैं याद कराना चाहता हूँ, अदर मदर अदर फादर, आपका रोल बच्चे का पहले पेरेंट बनने का है। टीचर आज कोई अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो दूसरा टीचर आप रिप्लेस कर सकते हैं, एक से ज़्यादा दूसरे टैलेंट वाले टीचर आप हायर कर सकते हैं। पर दोस्तों, नो रिप्लेसमेंट पेरेंट, इसीलिए फैट एटीट्यूड जो हमें रखना है दैट इट, मैं मेरे बच्चे की टैलेंट के ऊपर, मैं मेरे बच्चे की पेरेंट बनने के ऊपर फोकस करूंगा, मैं मेरे बच्चे की टैलेंट के और उभर टैलेंट के ऊपर फोकस करूंगा। यदि अगर वाइफ अगर वीडियो देख रहे हैं या हस्बैंड इस वीडियो देख रहे हैं तो ज़रा सोचिए, आपके हस्बैंड CEO हैं या चेयरमैन हैं या अच्छे पोजिशन पर हैं कंपनी में या पुलिस हैं तो या ये अफसर हैं, तो ज़रा आप सोचिए। आपको कहना चाहूँगा कि वो हाउस पाउस जब घर पे आए तो IAS अफसर घर पे चाहिए या CEO घर पे चाहिए या हस्बैंड या वाइफ घर पे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके हमें बताएं। आप सभी को रिप्लाई होगा कि वो हस्बैंड या वाइफ घर पे चाहिए या CEO का एटीट्यूड या चेयरमैन का एटीट्यूड आपको घर पर लेके आए तो वो व्यक्ति हमें ज़रा भी पसंद नहीं आएगा। एग्री करते हैं दोस्तों, यस या नो। सेम में भी कहना चाहता हूँ, आपको वो पर्सन चाहिए जो आपको केयर करे, सेम में वो बच्चे को भी वो पर्सन चाहिए जो उसकी केयर करे, तो वो पढ़ना पूरे मन से शुरू कर देगा। उसको केयर करने वाला एक मम्मी या एक पापा उसको अनकंडीशनल लव दे पाए वैसा एक्सपीरियंस करना होता है। फिर इसीलिए दोस्तों, आज के बाद आप टाइप करें कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं मम्मी हूँ या पापा हूँ। अब जो भी आप पर्टिकुलरली हैं आप कमेंट करके हमें बताएं। मम्मी एंड पापा पहले बने, टीचर तो आप हायर कर सकते हैं। फर्स्ट एटीट्यूड है जो साइकोलॉजिकल कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आज के बाद आप लिखने से ज़्यादा बच्चों को 5 सेंचिक पर डेवलप करने के ऊपर फोकस करें। सी फ्रेंड्स, जरा मदर एज द फादर, हमें बच्चों का ब्रेन डेवलप करना होता है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स ब्रेन को कैसे डेवलप करें, पर दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने बड़ी प्यारी सी बात कही है, दैट इज साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड, रिपीट एट साउंड बॉडी एंड साउंड माइंड। मीन्स वाट, यदि बॉडी पावरफुल होगा तो माइंड पावरफुल होगा।
तो एक चीज और इंजापर के तौर पर आपको शेयर करना चाहता हूँ कि एक कार जो फ्रांटी कार है उसका 4000 सीसी का इंजन है, उसका पावरफुल बहुत पावरफुल है। वो जो 4000 सीसी का इंजन है उसे यदि को हम ले पुराना अल्टो कार 100 में अगर लगाएं तो क्या सही से चल पाएगा? यस या नो? नो, नहीं चल पाएगा। इसलिए नहीं चल पाएगा कि 4000 सीसी का इंजन के अनुसार आपका चेचिस नहीं है, वो आपका बॉडी नहीं है उसका। अगर गाड़ी सही से चल भी पाया तो आपको ब्रेक लगाने पर सही से रुक नहीं पाएगा जल्दी। जितना पावरफुल इंजन है उतना पावरफुल इंजन चेचिस और उतना पावरफुल बॉडी है नहीं है, इसलिए आपको सही से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो सो पावरफुल इंजन को चलाने के लिए, वो गाड़ी को ब्रेक मारने के लिए, रुकने के लिए भी उतना पावरफुल, उतना चेस्ट उसके अंदर चेस्ट रहना जरूरी है। एग्री करते हैं दोस्तों? यस या नो? सो ना, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा लिखता नहीं है, तो साइंटिफिकली मैं कहना चाहता हूँ ये 5 सेंसिक का काम है। मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है वो एक्चुअली नहीं है, साइंटिफिकली मैं कहूँ मेरा बच्चा दूर के चीज़ों को, वस्तुएँ चीज़, और सनसाइज और सनराइज देखता नहीं है, वो प्रॉब्लम है। मेरा बच्चा लिखता नहीं है वो प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बच्चा उंगलियों का इस्तेमाल या हाथों का इस्तेमाल वीडियो गेम के बिना करता नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ आज के बाद के 5 सेंसिक जो है ना उसके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करें। और मैं भी 5 सेंसिक के कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है वैसे आप चाहते हैं तो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं, उस टॉपिक के ऊपर कुछ आपको वीडियो बना करके मैं बताऊंगा। ज़रा सोचिए, बच्चे को लिखना ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन जब बच्चे का पढ़ना होता है तो दैट इज आई एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन। अब ज़रा सोचिए, मैं मेरा बच्चा सपोर्ट बैडमिंटन खेलता है तो वहाँ पे हैंड का और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होता है। और जी वेरी सेम टाइम अगर आपको बॉल सामने से आ रहा है तो उसको जज करने के लिए आई कोऑर्डिनेशन और ब्रेन, आई और ब्रेन कोऑर्डिनेशन आपका करता है। अगर बच्चा लिखेगा नहीं तो आपका काम है टीचर को लिखाने का काम है, आपका काम पेरेंट का काम है कि मेरा बच्चा आधा घंटा एक घंटा टेनिस खेले या क्रिकेट खेले या मान लीजिए बैडमिंटन खेले, उस तरीका से आप खिलाइए आधा घंटा एक घंटा, इससे ज़्यादा नहीं। मेरा बच्चा शायद नहीं पढ़ेगा तो चलेगा, बट मेरा बच्चा एक घंटा या आधा घंटा आपका बैडमिंटन खेलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैट मदर द फादर बिकॉज ऑफ दैट आपको 5 के 5 सेंटिक जो है ना वो डेवलप होगी ना, तो ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन का अप्रूव होगा तो आउटकम इज स्टडी, आउटकम राइटिंग, आउटकम रीडिंग। रीडिंग पर फोकस दोस्तों ना करें, ए सेंटिक को डेवलप करने के ऊपर फोकस करें। जब ए सेंसिक जब डेवलप होगी तो बॉडी पावरफुल होगी तो बाद में इंजन बैठ सकता है। दोस्तों ये जो लैपटॉप है ना वो इसके अगर आउटर बॉडी अगर मजबूत है तो सॉफ्टवेयर तो कभी भी डाला जा सकता है। पर आज मैं भी 37 के एज में भी, 40 के एज में भी आप पेरेंटिंग सीख रहे हैं, आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, तब वो तभी कर पा रहे हैं जब आपका बॉडी साथ दे। सो दोस्तों आज के बाद आपको कौन कौन सी आपको ट्यूबलाइट हुई तो आप TL टाइप करके बताएं। मेरे बच्चे की ब्रेन एंड सेंटिक के कोऑर्डिनेशन को ऊपर फोकस करना है, वो एक्टिविटी स्पोर्ट वगैरह में मेरा बच्चा जाए वहाँ पर मेरा फोकस होना चाहिए। तो आप अगर जानना चाहते हैं तो हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है 9199924342, जो कि आप जानकारी ले सकते हैं। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।